जाएगी दिल्ली, साले दिल्ली जाएगी। अरे क्या साले कमरा का दिखा, जहाँ चल गया ये ले जाएगा दिल्ली कौन है साले, पता नहीं मैं कहाँ मारता हूँ, हिमाचल हिमाचल ले वासल वाली जी। हाँ, दाल वाले खाएगा, रोटी भी खाएगा। मैं रोटी नहीं लेनी मुझे। अरे क्यों ले, क्यों ना लेनी? मुझे पागल मान रहा, रोटी खाओ रोटी खाओ, रोटी लेगा तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे। पैसे तू अभी देगा, वो खाएंगे दाल के रोटी के। मैं दाल खाया तो करा, दाल फ्री किया, दाल झूठ बोल रहा, मंगाया रोटी 1 रुपए की दाल फ्री की। उसके भी देने पड़ेंगे, दाल के भी देने पड़ेंगे। अगर मेरे पास दाल के पैसे होते तो मैं रोटी का शक्कर था, मेरे पास नहीं पैसे थे साले, बेईमान समझ रहा। ऐसे बेईमान तो बेईमान कह रहा। अरे रामू इधर आ, बुला ले, बुला ले रामू को, बुला ले। सेफ सिटी तो क्या करूं, बहुत देगी तेरे से सेफ सिटी, चल दफा यहां से, अंदर नहीं आ सकता। मैं बराती मान तो मेरी बात समझ तो सही मान। चल एक बार को मान भी तू बराती है, ठीक है, लेकिन मैंने फारूक से पहले ही कही कि सिर्फ 25 आदमी आएंगे, तू 26वां नहीं जाएगा तू अंदर। 26वां यहाँ से, मैं नहीं 26वां नहीं हूँ, 26 अभी अभी रुक रुक अभी। भाई जान, भाई जान, भाई जान, एक बुला रहा, देखे की गए, चले जाओ अब जान। क्या बात है भैया, ये है 26 नहीं आ सकती फिर अंदर। यार लाख कैसे आदमी से मेरा पाला पड़ गया। तू नाराज हो रही है? मैं नाराज ना हो रही, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा दोस्त, वो दोस्त नहीं तुम्हारा, खुर्शीद मर गया है। खुर्शीद मर गया? वो कैसे मर गया? वो तो बड़ा अट्टा कट्टा था। मेरा क्या, मैं नहीं कह रही, उसके घर वालों को जाकर तसल्ली दे। तसल्ली देने लेगा साला, तसल्ली देने भी मुझे बहुत पीट दे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ तसल्ली देने साला। ठीक है ठीक है, उन्हें तुम्हारी तसल्ली की जरूरत भी ना। मैं तो नहीं चाह रही थी कि उसकी मैयत को जाके कंधा दे आओ। मैयत को कंधा दिया हूँ, दफनवा रहा हूँ, ठीक है, ये काम कर लेता हूँ, चला जाऊंगा, जा रहा हूँ मैं। तुम अच्छे को दवाई पिला, ये मच्छर ये रे। भैया जल्दी कर लो, बहुत देर हो चुकी है, गर्मी का मौसम है, मैयत को उठा कर ले चलो, नहीं तो बदबू हो जाएगी। पहले शेख जी को तो आ जाने दो। आप क्या कर रहे हो भाईजान? आओ शेख जी, बड़े दुख की बात है, आप ही का इंतजार होता, खुर्शीद अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह इनको जन्नत बख्शे, लेकिन ऐसे नहीं मिलने वाली। भाईजान मैंने सुना है कि मरने वाले के मुंह में अगर खूंटा ठोक दिया जाए तो सीधा जन्नत में जाता है। क्या कह रहे हो वाह भाईजान, मैंने कई ज्ञानी आदमी से सुना है कि मरने वाला भी जुबान में यानी कि मुंह में अगर 2 फुट का खुंटा ठोक दिया जाए तो सीधा जन्नत में जाता है, जो उसे ले जाएंगे वो भी जन्नत में जाएगा। ये क्या कह रहे हो शेख जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बतला रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, हमारे पड़ोस में लापा जी रहते थे नी, हाँ जी, उनकी जो बेगम थी वो गुजर गई, उसके मुंह में भी 2 फुट का खुंटा ठोका था, सीधी जन्नत में गई। ठीक है शेख जी, लिबास से तो आप पूरे अल्लाह वाले लग रहे हो, आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, जो शेख जी कह रहे हैं वो ही ठीक है। हाँ भैया ठीक है, खूंटा ठोक लो भैया, मगर मेरी एक बात और है, लकड़ी 2 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो। शेख जी आप तो 2 फुट कह रहे हो, हम तो 3 फुट का ठोकेंगे और भी ऊपर जन्नत में जाएंगे। ठीक है जाबी भाई, खूंटा लाओ खूंटा, अभी लाया शेख जी, जल्दी जाओ, हैकर था नहीं हैकर था, अरे ईंट भी लाया, ईंट भी। हटो हटो भाई, हटो हटो, पीछे हटो, हटी हटी हटी, मुंह खोलना पड़ा करो, जाओ मुंह खोल, दे 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 दे, छोड़ दे, ठीक है।
लाइट लगता है। ठीक है भाई, चलो भाई ले चलो रे। ठीक है, उठा लो, चलो उठाओ उठाओ उठाओ, चलो उठाओ भाई, उठाओ उठाओ, तो मेरा इंतजार मत करो, तुम उठाओ, तुम उठाओ, उठाओ भाई आपके साथ, चलो उठाओ उठाओ उठाओ, चलो चलो चलो, इधर ही इधर ही इधर भाई, इधर घूम ले, इधर भाई जा, इधर घूम, चलो 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 भाई, चलो 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 चिल्ली, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, मगर ठीक ठाक है सब? सब ठीक है, पर हमारे गांव में तो बहुत अनरथ हो रहा पूरा। क्या लोग आदमी को घुंटा ठोक के मुंह में मार दे रहे? अच्छा जी, हाँ कैसे? अभी अभी मार कर ले गए थे, इधर कहाँ मुर्दघाट में गए, इधर इधर गए, आइए मोबाइल दो, सब छोड़ो गए, आइए जल्दी आ, मुर्दा है जी, दफनाने जा रहे हैं। ये कैसा मुर्दा हमें दिखाओ? अजी मुंशी जी, ये बहुत दिनों से बीमार था, आज अल्लाह को प्यारा हो गया। नीचे उतारो इसे, नीचे उतारो। अब हम जा दो, हमने खूंटा ठोक के वैसा मार दिया, बता रहे बीमारी मार आयो? मुंशी जी हमने नहीं मारा जी, डरोगे जी, हमें तो शेख चिल्ली बता के गया। के क्या गया था शेख चिल्ली? अजी वो ये कह रहा था, जो मुर्दे के मुंह में लकड़ी ठोक के ले जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। जन्नत तो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें थाने में, चलो। दरोगा जी गलती हो गई, जन्नत तो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। क्या डरू तेरे से? आधा मेरी ससुरी में बाहर निकल गया, डर गई, मेरे बच्चे को पीट गया तेरा बच्चा। तेरे बच्चे नहीं मारा था पहले मेरे बच्चे को? अगर ज्यादा बोलेगी तो शेख चिल्ली से निकाह करा दूंगी। अरे शेख चिल्ली को बीच में क्यों ले रही है तू? चुप रहो, मैं से बोल मत खुलो अपनी। अरे मुझे बोल रही है, तुझे तो सारा गाँव जाने है, अंदर अंदर तेरा निकाह मैं खुद करा दूंगी। अरे तेरा मैं करवा से पीट दूंगी उसे। अरे उसके टांग तोड़ दूंगी मैं, सर फोड़ दूंगी मैं, उसका हाथ तोड़ दूंगी मैं, उसका पैर तोड़ दूंगी मैं, उसका सर तोड़ दूंगी मैं, उसका मुंह तोड़ दूंगी। चप्पल किसकी चप्पल? मैंने तो तुम्हें खुर्शीद को दफनाने के लिए भेजा था। तो खुर्शीद जाओ सारा चूल्हे में, मैं सिर्फ एक गारंटी ले रखी। सच बताओ कहाँ गए थे? मैंने तो तुम्हें खुर्शीद को दफनाने के लिए भेजा था। खुर्शीद चूल्हे में, मैं तो उधर से जब आ रहा था, दो औरत मिली, दोनों लड़ रही थी, एक कह रही थी अब चुप हो जा अरे तेरा निकाह शेख चिल्ली से करा दूंगी, दूसरी कह रही मैं तेरा शेख चिल्ली से निकाह करा दूंगी, वापस हो गया, दूसरी कह रही मैं तेरा निकाह शेख चिल्ली से करा दूंगी, दूसरी ने कहा अच्छा देखती हूँ कैसा करा दी शेख चिल्ली से मेरा निकाह, तीसरी कहने लगी मैं शेख चिल्ली का हाथ तोड़ दूंगी, एक करी मैं शेख चिल्ली का टांग तोड़ दूंगी, एक करी मैं शेख चिल्ली का सर फोड़ दूंगी। मुझे गुस्सा आया, मैं गया मगा साले अपनी लड़ाई में मुझे के लपेट रही हो और दोनों मेरे पीछे चप्पल लेके भागी, मैं डरूं उससे? शेख चिल्ली डरेगा उससे?
शेख जी शेख जी, वो आपका पड़ोसी कैसे मर गया? खुर्शेद मर गया, खुर्शेद मर गया, मर गया, मर गया, तरबूज तरबूज खा गए। निकल निकल नहीं निकल अरे मैंने मार दिया खुर्शेद। अच्छा बड़ा खुर्शेद दे जा मुझे दो। अरे कैसे मर गया पड़ोसी भैया बता दो किसी का। शेख जी आपका पड़ोसी खुर्शेद कैसे कैसे मर गया? कैसे मर गया तुम्हारा पड़ोसी खुर्शेद कैसे मर गया? मुझे पता कैसे मर गया, थाले ने खा लिया कच्चे पक्के आम। मैं हुंडा ठोकने निकला उसके थाले का, मैंने हुंडा नहीं ठुकवाया मैं थाले में, मुझे क्या पता। निकल निकल ले मेरा वैसे कर दिया होगा तुमने। नहीं निकला मेरा वैसे दिमाग खराब वाला साला कुर्सी मरगा। हां साला कुर्सी मरगा, जान भी मेरी इज्जत हो गई साला कुर्सी कुर्सी साला। शेख जी हां इधर आ इधर आ। हां खा ले साले नाम अरे बोले साले मार दे ककड़ी खा लिया साले तरबूज खा लिया होगा। मैं उठा के लगा अजी मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो कुछ काम आया था। कुछ काम आया था मैं थोड़ा गलत बट गया। ठीक है मुझे पता नहीं साला कैसा मर गया कुर्सी। अरे ऐसी की तैसी साले आए कुर्सी मर गया साले। साला पूरा गांव का सुन रहा सच्चू मेरे घर हाल लगा साले। साले और पड़ोसी बतेरा मर रहे उनके चले जाओ ये और नहीं जानता कुर्सी मर गया। साले मुझे मेरे साले इका सत्ता लाओ साले का मेरे देते करे साले। साले शेख जी लिखा घर मेरा साले को पूछ ले को साले शेख जी कुर्सी कैसे मर गया। मैं साला मर जाओ साले का पूछा छिप जा साले का पूरे गांव में चक्कर मेरे घर का डर लगे। मैं और भी तो पड़ोसी उसके घर चले जाओ क्या और को पता नहीं है खुर्शीद मर गया। खुर्शीद मर गया साले मेरे जान को आ रहे तब कैसे मर गया। मैंने घुंटा ठोक दिया उसका कैसे मर गया। हाँ बोल मेरी बकरी ने सुटर बंदी मून खा ली। मैं खाने ने खा ली था तो मेरे फायदा होगा। अच्छा हाँ वो कैसे? वो ऐसे जितने भी बकरी बच्चे देगी अच्छा सब स्वेटर पहने हुए पैदा होंगे। अरे भी नहीं लगेगा। अरे वो तो मरने को हो रही। मैं मर जाता मरने को हो रही था। खुर्शीद मर गया बकरी मर जाएगी कौन सा गाँव खाली नहीं चला। निकल ले मरने को हो रही है। शेख चिल्ली था शेख चिल्ली डॉक्टर है मैं रखी हुआ शेख चिल्ली। शेख चिल्ली से पूछा सब साले साले यार भी बेहतरीन तेरे चैन से अंदर साली सर मालन हो रही है। शेख चिल्ली का जाने में दे दोगा साला साले जान को भैया लगा दिया। उल्टा करो सीधा सीधा करो तो भाई शेख चिल्ली साले। हाँ मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। हाथ काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? टांग तो काम कर रही है। हाँ जी टांग काम कर रही है। टांग कर रही है ठीक है तो कर रही है। चला चल शेख जी मेरी पूरी बात तो सुनो। पूरी बात सुना दे। मेरा पेट भी गुम हो रहा है। पेट गुम हो रहा है? हाँ बिल्कुल गुम हो रहा है। ठीक है देखता हूँ। आए तू जलाल तू आए तू जलाल तू आए बराबर टाल तू। शेख जी जल्दी करो पहुँच ले जल्दी करो। ये बदला तूने सुबह क्या खाया था? सुबह अंडे खाए थे शेख जी। अंडे खाए थे सुबह? ओहो दोपहर को क्या खाया था? दोपहर को मुर्गा खाया था शेख जी। मुर्गा खाया दोपहर को? ओहो बेटा बदला तू आगे मेरे समझ में तेरा पेट गुम जो हो रहा है नहीं ये हो रहा है कि तूने अंडे खा के फिर मुर्गा खाया। वो मुर्गा उन अंडों में जाकर बैठ गया। अच्छा जब तक उन अंडों में बच्चे नहीं निकाल लेगा मुर्गा तेरा पेट गुम रहेगा। ये भी कोई बात हुई शेख जी है? ये भी कोई बात हुई? निकल निकल ले। निकल ले नहीं मैं तो पूछ के ही जाऊंगा। बताओ मेरे को भाई निकल ले। बताओ मेरे को पूछ के नहीं जाऊंगा मैं तो। नहीं निकले नहीं साले मैं बैठ रखी हूँ मैं कोई डॉक्टर हूँ मैं जरा अस्पताल खोल रही है साले। अरे अंडे में पेट घूम है मैं घूम है साले मर जाएगा कुर्सी तो मरगा तू मर जी जाकर साले। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ साले सब दवाई मैं बैठ रखी हूँ मैं।
सलाम। सलाम भैया सलाम, बोलो क्या काम है आपने नौकरी पे? आपने नौकरी पे? हाँ। अबे शेख शक्ल से तो नहीं अच्छा लगा, तो मैं कैसे रख लूँ नौकरी पे? अरे रख कर तो देखो, पूरी वफादारी करूँगा। वफादारी करेगा? ठीक है, तो बताओ तनख्वाह के लोग जो अभी आप लगाओ अच्छा समझो दे दियो। ठीक है ठीक है, चलते 200 रुपए दो। ठीक है 200 रुपए दे देना। ठीक है ये नौकरी पे रख लो। पर मारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? शर्त यू है, मारी दुकान में चूहे बहुत है। अगर एक चूहा भी रह गया तो पूरे महीने की तनख्वाह ना देने का। ठीक है, एक भी चूहा नहीं रहेगा चाहे मुझे खुद खाने पड़ो, पर चूहा नहीं छोड़ो दुकान में। ठीक है, आज से तेरी नौकरी पक्की, आ बैठ दुकान पे। हटो। पर मेरी भी एक बात सुन से। हाँ। लाला की दुकान का चस्का ऐसा लगा हुआ है चूहों को। ये निकलने के ना तेल से पहले कई नौकर आ गए चले गए। ठीक है, मैं रोटी खा के आ रहा। रोटी ठीक से संभालिए। संभाल लो, कमाई कर रही है। अच्छा एक मंडल लेना था। मंडल मंडल ये देखो ना, रोज लेकर जाता हूँ मैं। जाओ लेकर, मैं मंडल देने को बैठो। कोई कितने रखे हो आप? अबे मैं चूहा पकड़ने को बैठा नहीं कर रहा। दे दो ना। दे दो ना, पाटा लगा दूंगा। दे दो अभी, नहीं निकला। दे दो, नहीं निकला। अभी दे दो, करवा दिया चुमार लिस्टा। ओ साल निकल गा। ऐसे नहीं हो रहा साल। ठीक है, ऐसे नहीं मरेंगे साल। ठीक है, दुकान में आग लगा देता हूँ साली में। लगाऊं कैसे? कैसे लगाऊं? सब रुक जाएंगे, सारा को दफन कर दूंगा यही। पक्की होगी नौकरी सारा, क्यों करा चूहे खत्म कर ले। एक भी नहीं रहा सारा भूख दूंगा। कोई तो बचा लो ना लोगों।